कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों का। केजरीवाल ने आपको बताया कान्हा, कहा पार्टी भ्रष्टाचार और महंगाई जैसे राक्षसों का वध कर रही है, कुछ लोग सिर्फ भाषण देते हैं। मक्का में मक्केश्वर महादेव है, शंकराचार्य निश्चलानंद बोले 15 देश हिंदू राष्ट्र बनने को तैयार, भारत के रुख का कर रहे हैं इंतजार। जम्मू कश्मीर में पहली बार वोट डालेंगे पाक शरणार्थी, पाकिस्तान से आए 5400 परिवारों को 67 साल बाद जमीन का हक मिला। केरल और कर्नाटक के सीएम के बीच हुई बैठक, टाइगर रिजर्व से गुजरने वाले हाईवे को लेकर नहीं बनी बात। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी केस के मामले में मध्य रात्रि में स्टूडेंट का धरना खत्म, 6 दिन पढ़ाई बंद, हिमाचल से गिरफ्तार युवकों से होगा पूछताछ। देवरिया में मकान गिरा, परिवार के 3 लोगों की मौत, पति पत्नी और 2 साल की बेटी की मलबे में दबकर जान गई, बुजुर्ग मां घायल। डॉक्टर अकेला बोले मैं झूठा तो फांसी दे दो, सर्तन से जुदा, धमकी, पुलिस ने बताया झूठा। डॉक्टर के पक्ष में आए नरसिंहानंद। जालौन में निकला 6 फीट लंबा मगरमच्छ, वन विभाग और पुलिस ने जेसीबी से किया रेस्क्यू, बेतवा नदी में ले जाकर छोड़ा। हरदोई में कस्तूरबा विद्यालय की 36 छात्राएं हुई बीमार, स्वास्थ्य मेले में खाई थी टैबलेट, अस्पताल में चल रहा इलाज। आगरा में मेड़ को लेकर 2 पक्षों में बवाल, खून चले लाठी डंडे और धारदार हथियार, 6 लोग घायल। नेपाल में सीजे चोरेंद्र शमशेर राणा नजरबंद बोले मुझे कोर्ट जाने दो, विशेषाधिकार दुरुपयोग मामले में लगाया था महाभियोग। इंग्लैंड में हिंदू मुसलमानों की झड़प, लिस्ट्रेस शहर में लाठी डंडे से लेकर उतरी भीड़, पुलिस पर कांच की बोतलें फेंकी, 2 हिरासत में। ताइवान में 2 दिन में दूसरा भूकंप, रिएक्टर स्केल पर तीव्रता 6.9, जापान में सुनामी का अलर्ट जारी, कल आया था भूकंप। बाइडेन की चीन को चेतावनी बोले ताइवान पर हमला हुआ तो अमेरिका सेना भी लड़ेगी जंग। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की रूस की चेतावनी बोली जवाबी कार्यवाही में नहीं की जाएगी कोई कमी। बजरंग पुनिया ने जीता ब्रॉन्ज, वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में उनका 5वां मेडल, ऐसा करने वाले पहले भारतीय बने। टीम इंडिया की नई जर्सी लॉन्च, व्हाइट ब्लू में नजर आएंगे भारतीय सितारे, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के खिलाफ होगी इस्तेमाल। कोहली के शतक पर रोहित का मजाक, वर्ल्ड कप के लिए हमें उन्हें सपोर्ट नहीं करना चाहते थे, शतक ने हमारा मन बदल दिया। इंडिया ए ने न्यूजीलैंड ए को हराया, 3rd अनऑफिशियल टेस्ट में 113 रन से दी मात, सीरीज पर 1-0 कब्जा किया। भिलवाड़ा किंग्स ने मणिपाल टाइगर्स को 3 विकेट से हराया, कैफ ने 73, यूसुफ ने 44 रन बनाए, एडवर्ड्स ने 4 विकेट झटके। कार्तिक आर्यन को देख इमोशनल हुआ छोटा बच्चा, ऑटोग्राफ देकर एक्टर ने कराया चुप, फैंस ने जमकर तारीफ की। नोज सर्जरी पर प्रियंका चोपड़ा की सफाई बोली सांस लेने में तकलीफ थी इसलिए करवाई थी सर्जरी। ट्रेडिशनल अवतार में दिखी नोरा फतेही, नोरा फतेही पर नहीं पड़ा विवादों का असर, कहा म्यूट होकर चारों तरफ देखो।
सॉन्ग लॉन्च इवेंट में ऋतिक का मस्ती भरा अंदाज, फैंस के साथ लगाए जोरदार ठुमके, जमकर तारीफ भी बटोरी। तमिल एक्ट्रेस ने की खुदकुशी, अपार्टमेंट में मिली 29 साल की साउथ एक्ट्रेस दीपा की लाश, लव लाइफ में चल रही थी दिक्कतें। फिलहाल के लिए 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।